तीन में भी खड़े हो गए थे, तीन चार में भी, तीन आठ में भी। तो एक आया पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम एथलीट हो गया। हम बोले नहीं। तो फिर तुम ये एक भी बार तुमको मैंने गिरते हुए नहीं देखा यहाँ पे। तो हम बोले कि सर हम लोग बोल रहे हैं कि गिरना नहीं है बेटा, बस पैर पे खड़े हो जाना वहाँ पे। वेट में हो गई 96, 92, 82 ऐसे नंबर ले आके भी डिस्क्वालीफाई हो गई वेट के कारण से। इसलिए हम बोल रहे हैं अभी से खाना खाओ, खाना खाओ। कुछ ये टिप्स भी बताएंगी वेट को कैसे इंक्रीज किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो ठीक रहेगा, और नहीं तो फिर घूमते हुए नजर आओगे। शुरू करो। और आ गया जो पहले मेरा टाइम था पाँच मिनट और पाँच मतलब 25 लग गया था। हाई जंप 3 फीट करती थी और यहाँ पर आ गई तो 3-4 हुआ। थोड़ा तेज बोलो। 3-4 हुआ। गोला फेंकती थी 12 फीट, यहाँ पर 15 फीट हुआ। और इनका मेरिट भी आएगा, इनके इनके शुभकामनाएं। आई थी तो मेरा 5:32 लगता था, लेकिन फिर धीरे 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 फिर लास्ट वाला मारी थी तो 4:25 लगा था। वहाँ पर नहीं पता टाइम का, और मेरा 15+ गोला गया, फिर हाई जंप 3-4। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरिट में मिठाई खिलाओगे ना सबको ले आके, पूछ करेंगे यहाँ पे हैं। चलो आपको शुभकामनाएं, आपकी मेरिट आएगी और हम इंतजार करेंगे। आगे आ जाओ, वहीं पर वहीं पर। तो मेरा नाम मधु है। यहाँ पे आए थे तो स्टार्टिंग में तो एकदम जीरो थे, फिर ऐसा हो गया कि कल रनिंग के बाद मुझे मतलब मैं 29 नंबर पे गया, हम गए थे उसके बाद हम आए 6 नंबर पे। तो आए तो हम डर गए कि यहाँ पे सारे लोग हाँफ रहे हैं, हमको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमको लगा कि सर टाइम ज़्यादा लग गया क्या। तो वो एक लड़की पूछ रही कि आपको कुछ हो ही नहीं रहा। हम बोले कि हाँ, लॉन्ग रनिंग तो सर करवाए थे, हो सकता है उसके कारण नहीं हो। तो सर फिर 6 नंबर पर ही मेरा नाम बुलाया तो पता चला कि अच्छा मतलब आ गए हैं। तो फिर वहाँ पे पता चला कि लॉन्ग रनिंग का जो फायदा था वो कल मुझे दिखा, क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चे जो मुझसे पहले गए थे और मेरे बाद आए थे वो पूरा लेट गए थे, स्थिति खराब थी, पानी चाहिए था, लेकिन हम कुछ नहीं हो रहा, हम एकदम आके रिलैक्स खड़े थे और मतलब सारे लोग पूछ रहे थे कि आपको कुछ ही नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोगों को जब भगाते हैं ना लॉन्ग रनिंग, तो उसमें जाकर वहाँ कोनवा पे मत खड़ा हो जाया करो। ये 3 राउंड वहाँ दौड़ी, ये लोग बोले कि सर पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो 3 राउंड का पता कब नहीं चलेगा, जब यहाँ हार्ड एक्सरसाइज करोगे, हार्ड रनिंग करोगे। तो मैक्सिमम लड़कियां वहां पे 4 राउंड मारी है मैक्सिमम। 3-8 हाई जंप, कितना हाई जंप हुआ बेटा? 3-8। उसके बाद सर मेरा हाई जंप ना देखे कि सारे बच्ची जो थी ना जाके वहाँ पे गिर जा रही थी। आप बोले थे कि गिरना नहीं है, खड़े हो जाना है। तो हम 3 में भी खड़े हो गए थे, 3-4 में भी, 3-8 में भी। तो एक आया पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम एथलीट हो गया। हम बोले नहीं। तो फिर तुम ये एक भी बार तुमको मैंने गिरते हुए नहीं देखा यहाँ पे। तो हम बोले कि सर हम लोग बोल रहे हैं कि गिरना नहीं है बेटा, बस पैर पे खड़े हो जाना वहाँ पे। तो बोले कि कहाँ से हो तुम लोग? हम बोले कि सर ये से भोजपुर से आ रहा। तो बोले कि कहाँ सीखे? हम लोग बोले जैन कॉलेज में हमारे सर सिखाते हैं, भोजपुर फिजिकल अकेडमी। ताली बजाओ, ताली बजाओ सर। ये सर गोला 16+ है। वो एक बार पहली बार में गिर गया तो वो बोल शायद आरा की, तो कह रहे हैं कि अच्छे से फेंको नहीं तो आरा भेज दूंगा। तो सर तो इसका भी 96 के करीब में है, इसका भी नंबर 96 है, क्योंकि वहाँ दौड़ के इतना तेज आई है थकी भी नहीं है। इसका भी नंबर 96 ही है। अब हम चलो नेक्स्ट। मेरा नाम आकृति कुमारी है। इधर देख। रनिंग में, हाँ रनिंग मेरा 4:20 के डाउन होगा, अनुमान से बोल ही सकते हैं। 4 डाउन तो पर महसूस नहीं हुआ कि 3 राउंड मारे हैं, क्योंकि थके थोड़ा सा भी नहीं थे, पर खींचे थे लास्ट में सर, ऐसा बात नहीं था। जब खींचे हैं लास्ट, जब एकेडमी ज्वाइन की थी टाइम कितना आता था? टाइम उस वक्त तो 5:30 था, उस वक्त तो 1 राउंड 2 राउंड जाना मुश्किल होता था मेरे लिए। फिर लॉन्ग रनिंग सर करवाते थे 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उससे बहुत बेनिफिट मिला है, उससे बहुत बेनिफिट मिला। हाई जंप 3-8 किए हैं। हाँ एक ही बार में हो गया था सर। गोला कितना गया?
गोला तो 17 फेंका था, 17 फेंके थे हमें जब 12 गोला जर था। हाँ 17 फेंके हैं गोला। वहाँ रनिंग का पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम थोड़ा सा देखे हैं, ये 4 डाउन ये भी मारी है, 4 डाउन इसका भी रनिंग, क्योंकि वहाँ पर रनिंग ट्रैक इतना बढ़िया है, जो भाग रहा था काफी तेज भागी है, काफी तेज भागी है ये, ठीक है ना। तो 4 डाउन इसका भी, तो ये भी लगभग लगभग 96 के लेवल में गई है। अनुमान लगा, चलो इसके नाम से ताली मारो। कर मेरा नाम श्वेता कुमारी है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो थोड़ा सा भी रनिंग नहीं कर पाती थी, हमेशा रोती रहती थी, रोती रहती थी। सर बोले थे उसी दिन कि हार मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। उसी दिन सब मन में मान लिया कि मतलब करके ही दिखाएंगे। बहुत लोग बोल रहे थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी दिन मान लिया कि हम करके दिखाएंगे। और मतलब मेरा रनिंग के 2 दिन पहले मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया था, फिर भी हम मतलब वहाँ पे रनिंग किए, बहुत अच्छा नंबर आया है। हाई जंप भी 3-4 हुआ है, और यहाँ पे गोला तो 12 फेंकते थे, कभी कभी फेल भी हो जाते थे, लेकिन वहाँ पे 15 प्लस गया है। और वहाँ पे सर का बहुत नाम हुआ, क्योंकि हम टी शर्ट पहन के गए थे और पैर इतना लंगड़ा रहे थे ना कि सब लोग देख के बोल रहा था कि इतना लंगड़ी मतलब 3-4 फान गए। बजाओ ताली। सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सर बहुत ध्यान दिया है मेरे ऊपर। हाँ, तुम्हारा गेट पास कहाँ है? ठीक है, मैं प्रिया रानी यहाँ पे कला मैं प्रिया रानी यहाँ पे आए थे तो एकदम 0 लेवल पे थे, लेकिन हम लोग का रिजल्ट वहाँ पे पता चला गर्दनी बाग में जाके कि सर ने कितना अच्छा ट्रेनिंग दिया। वहाँ पे हम लोग हर एक ग्रुप में एक ना एक थे ही थे, जो भी पूछता था कहाँ भोजपुर फिजिकल एकेडमी से आए, मतलब हर एक जगह हम ही लोग का नाम हो रहा था। इतना हम लोग वहाँ पे डिसिप्लिन में भी हम लोग का नाम मिला कि मतलब इन लोग का डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है लोग। सिखाते बैठने का भी ढंग, जिस तरह से आप यहाँ पे ट्रेनिंग देते ना, बस उसी तरह से हम लोग वहाँ पे थे। जिस तरह लाइनिंग से जाना, रॉन्ग साइड से ना, हाई जंप किए तो पीछे से जाना, इस तरह बहुत सारी लड़कियाँ थी कि बस वहीं से उतर जाती थी। हम लोग वहाँ पे बहुत हम लोग का नाम हुआ। मेरा नाम सर मतलब कि हमको ना हाई जंप थोड़ा सा भी नहीं करने आता था, लेकिन कल वहाँ 3-4 हम वहाँ जाकर हाई जंप किए। जिसको हाई जंप नहीं आता था वहाँ जाकर 3-4 कर लिए, ठीक है। रनिंग मतलब कि हमको 17 नंबर पे लगाया गया था लास्ट में, मतलब मेरे पीछे 2 ही लड़की थी, लेकिन जब लास्ट रनिंग आए ना तो हम 5वां नंबर पे आ गए थे, और मेरा नाम भी 5वां नंबर पे ही बुलाया था। जब एकेडमी ज्वाइन की थी तुम्हारा टाइमिंग कितना आता था? मेरा 5:15 आता था, 5:15, 5:20 ऐसे आता था, लेकिन टाइमिंग मेरा कल बहुत अच्छा गया। हमको मतलब आशा है कि 4 डाउन है हम ये, और ये गोला मेरा यहाँ कभी नहीं मतलब 12-13 के बीच में गिरता था, और वहाँ पे 15 गिरा है। बहुत यही बस सर बहुत हम लोग के पीछे मेहनत किए हैं, और हम लोग भी किए हैं सर के नाम मतलब वहाँ पे बहुत हुआ। जयंत सर, मैं सिल्की कुमारी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इस सब का श्रेय मेरे सर को जाता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पूजा कुमारी है। जब मैं यहाँ आई तो मेरा रनिंग बिल्कुल अच्छा नहीं था, थोड़ा सा भी। पहले टाइम लगा तो 5:46 लगा था, इसके बाद सर के यहाँ आई तो 15 दिन के बाद मेरा 4:42 हो गया, और वहाँ मेरा 4:20 के अंदर लगा है टाइमिंग, 15 प्लस गोला है और 3-4 हाई जंप। बहुत अच्छा। जोर से एक बार नाम फिर से बोलो। मेरा नाम बेबी कुमारी है। जब पहले मैं यहाँ पर आई थी तो मेरा टाइमिंग 6 मिनट था, और घटते घटते धीरे धीरे 4:20 का हो गया था, और गोला 14 प्लस था यहाँ पर, मतलब 16 हो गया था, लेकिन वहाँ पर 15 प्लस गया है। चलो कोई बात नहीं। और हाई जंप 3-4 हुआ है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली मारो।